पीएम नरेंद्र मोदी आज बिहार के गया में हुंकार भरेंगे। दोपहर करीब 1 बजे गया के गांधी मैदान में पीएम की परिवर्तन रैली होगी। रैली बीजेपी के साथ साथ एनडीए के नेता भी शामिल होंगे। उधर रैली से पहले बीजेपी ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर घटिया राजनीति करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिवर्तन रैली गया के यानी मगध की धरती से नरेंद्र मोदी हुंकार भरेंगे नीतीश और लालू के खिलाफ। हम जानेंगे जो गिरिराज सिंह है यहाँ जो प्रभारी है इस पूरे सभा के, तो गिरिराज जी ये बताइए कि क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ मुश्किलात आ रही है। राजनीतिक जीवन में मैंने ऐसी नीचता नहीं देखा जो आज मुजफ्फरपुर रैली के सफलता के बाद नीतीश बाबू से ये उम्मीद नहीं थी कि इतने घटिया स्तर पर राजनीतिक प्रतिशोध लेंगे। एक तो 10 दिन जब से रैली की शुरुआत गया में हुई है प्रधानमंत्री का मुड़ी काटना, बैनर हटाना, तरह तरह के काम कर, आज प्रशासन का सहारा लेकर के सवेरे 7 बजे से डिस्टर्ब किया जा रहा है कि रैली में ना आए। चेकिंग के नाम पर केवल गया में नहीं बल्कि गया के बाहर नारदीगंज से किया जा रहा है, उधर किया जा रहा है, पूरे स्कर्ट में कि हम चेकिंग कर रहे हैं। चेकिंग के नाम पर आने वाले रैली में भाग लेने वाले लोगों को रोका जा रहा है। माओवादियों का बंद तो नीतीश कुमार स्पॉन्सर्ड बंद है, नीतीश कुमार स्पॉन्सर्ड बंद है। और इसी गया में राजेश कुमार की हत्या का जांच जीतन राम मांझी ने दी थी सीबीआई से, वो क्यों रुका ये बिहार की जनता और गया की जनता जानना चाहती। आरोप इतना दम है, अब ये इंतजार करना होगा कि सभा के बाद क्या कुछ बयान आता है विपक्षी पार्टियों का। कैमरा जितेंद्र सिंह के साथ अमित कुमार सिंह यानी गया। दो हफ्ते के अंदर दूसरी परिवर्तन रैली को संबोधित करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये गढ़ है नीतीश कुमार का, ये गढ़ है जीतन राम मांझी का। वक्त ब्रेक कहो चला है, कहीं मत जाइएगा।